नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल भी भारत के लिए हित में नहीं होती हैं। दरअसल दोस्तों, भारत को जो भी पड़ोसी मिले हुए हैं, वो पड़ोसी ऐसे मिले हुए हैं कि जब उनको ज़रूरत होती भारत की, तब तो भारत के पास बिल्कुल आ जाते हैं और अपनी मदद करवाते हैं और फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं और फिर वो बहुत ही जल्दी किसी दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं और भारत के खिलाफ ही काम करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो लोग होते हैं जो अपने काम को निकालते हैं, उनको कभी अच्छा नहीं समझा जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अभी नेपाल और भारत के बीच में हो गया है। नेपाल दरअसल कुछ ऐसा कर रहा है कि वो भारत और नेपाल के रिलेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आइए दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या चीज़ ऐसा, और उससे भारत और नेपाल के रिश्ते किस तरफ चले जाएंगे और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि नेपाल अपना 100 रुपए का एक नोट छापने जा रहा है, जिस नोट में वो अपना नया मैप छापेगा। नेपाल का जो नया मैप आया है, ये 2020 में आया था। वो नेपाल के नए मैप को विश्व में किसी भी देश ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सिर्फ नेपाल ने अपना नोट छाप मैप को बस छाप दिया है। अब दोस्तों, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो जगह भारत में आती हैं, भारत का कब्जा है वहाँ पे, वो भारत की ही ज़मीन है, लेकिन नेपाल ने उन जगहों को अपने मैप में दिखा दिया है और वो स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। एक काला पानी है, एक लिपू लेक है, आप इसको देखेंगे, एक लिमिया धुरा जगह है वो है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि पहले इनके मैप में वो जगहें इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी और अचानक 2020 में चीन के इन्फ्लुएंस में आकर के नेपाल ने ऐसा भारत के साथ किया। दोस्तों, अब एक चीज़ ये समझने वाली बात है कि आखिर इनको ऐसा क्या था, अगर इनकी वो ज़मीन थी तो 2020 से पहले क्यों नहीं इन्होंने अपने मैप में दिखाया? अचानक से इनको ऐसा क्या हो गया कि 2020 में इन्होंने उस जगह को अपने मैप में दिखा लिया? दरअसल दोस्तों, ये जो इनके 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो केपी ओली थे। वो केपी ओली चीन के बहुत बड़े समर्थक थे, वो भारत से दूरियाँ बना रहे थे, वो कम्युनिस्ट हैं और चीन एक कम्युनिस्ट देश है। तो ये दोनों लोग इतना ज़्यादा अपने आप में मिल गए और जैसा चाइना इनको कहता चला गया, वैसा ये करते चले गए। इनको लालच ये था कि चाइना इनको फंडिंग कर रहा था, तो इनको लगा कि पैसा मिलता जा रहा है, ठीक है, पैसा लेते रहो, भारत के खिलाफ काम करते रहो। लेकिन ये पैसा लेते तो चले गए, लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाए कि श्रीलंका भी चीन से ऐसे ही पैसे ले रहा था और उसके साथ क्या हुआ वो अंजाम इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सेम वैसा ही चीज़ें इनके साथ भी शुरू हो गई। नेपाल ने चीन से पैसे लेने शुरू कर दिए, उसने भी इनको पैसा दिया और इनका एक पोर्ट तैयार करवा दिया, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो तैयार हो गया, अब उसमें इतने ज़्यादा तो आना जाना है नहीं फ्लाइट्स का, उसकी वजह से इनका वो प्रोजेक्ट हो गया ख़राब, फेल हो गया कि जो कमाई होनी चाहिए वो हुई नहीं। लेकिन अब उसकी किस्तें देनी है, किस्तें देनी है, चीन तो भाई किस्तें दो, नहीं तो वो आपको सीधे वो ज़मीन हड़पता है, उसका तो सीधा सा हिसाब है कि लीज पे दे दो सामान। तो अब उसकी मदद के लिए नेपाल ने भारत की तरफ देखा और पिछले ही हफ्ते की खबर है, भारत ने इनके उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ खरीद दी है, इनकी हेल्प के लिए, और भारत इनकी मदद करेगा। ऐसे ही दोस्तों, याद होगा एक बार नेपाल में बहुत ज़्यादा तेज भूकंप आ गया था, उसमें बहुत नुकसान हो गया था नेपाल को। ये खबर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खबर दी थी। इस तरह का हमारा रिलेशन है, सोचिए, सबसे पहले अगर मदद के लिए कोई पहुंचा तो भारत पहुंचा था, लेकिन नेपाल बिल्कुल चीन की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है कि भारत के साथ ही वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इसके साथ ही उसने एक दूसरी न्यूज अभी छाप दी, अपने यहाँ के लोगों को भड़का रहा।
दरअसल दोस्तों बात यह है, अब वो ये कह रहा है कि भारत ने नेपाल की इंटरनेट कनेक्शन को काट दिया, ऐसा कहना है नेपाल का। दरअसल दोस्तों नेपाल के इंटरनेट का कनेक्शन तो भारत की कंपनियों ने काटा है, लेकिन वो जो ये कह रहा है कि भारत ने इसलिए काट दिया कि उनके मैप जो गलत वाला है वो उनके 100 रुपए के नोट में आने वाला है, इसलिए काटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों बात क्या है कि इनके यहाँ की जो भी टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रहा है वो भारत की कुछ कंपनियों से प्रोवाइड हो रहा है, और बाकी उनकी कुछ कंपनी है। तो भारत की कंपनी जब प्रोवाइड करती है कोई कनेक्शन तो उस पर उसको कुछ चार्ज करती है। अब जब चार्ज कर रही है कोई चीज़ तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो $25 मिलियन का अमाउंट है, भारत की कंपनी कह रही कि हमें भैया पेमेंट डॉलर में ही चाहिए, हम नेपाल की करेंसी में पेमेंट नहीं लेंगे। नेपाल की पर करेंसी में हम पेमेंट लेकर करें भी क्या? और ये पेमेंट उसकी कर नहीं पा रहे हैं। तो जब पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बनी बात है कोई सर्विस अपनी क्यों देगा, अपनी सर्विस रोक दी भारत की कंपनियों ने। तो ये न्यूज दरअसल ये है कि पेमेंट ना देने दे पाने की वजह से इनकी सर्विस रोकी गई है, लेकिन नेपाल ने इसको बिल्कुल इसमें इस जो नया मैप ये लेकर आ रहे हैं ये दिखाया कि भारत ने इसके विरोध में हमारा इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, जबकि ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। दोस्तों नेपाल को कम से कम इतना तो सीखना चाहिए, भारत ने ऐसे ही श्रीलंका की भी मदद की, श्रीलंका भी चीन के खूब प्रभाव में था। हम्बनटोटा उसका जो पोर्ट है, सी पोर्ट, उसका लीज ले लिया, सोचिए 99 सालों के लिए चीन ने। वहाँ पे भी खूब पैसे की क्राइसिस आ गई थी, इतना क्राइसिस आ गया था कि सोचिए कि इनके पास लाइट जलाने के लिए डीजल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं थे, कोई भी फ्यूल नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं था इनके पास। भारत ने इनकी मदद करी, श्रीलंका थोड़ा सा ठीक हो गया। ऐसे ही नेपाल की कई बार भारत मदद कर चुका है, लेकिन ये लोग सीखते नहीं है। पता नहीं इनको चीन ऐसा क्या चीज़ दे रहा है कि ये विरोध में आते चले जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर अभी मलेशिया को, वो भी कुछ ऐसे ही घूम गए। उसके बाद मालदीव, मालदीव को देखो तो वो भी चीन की भक्ति में बिल्कुल है। मतलब मोहम्मद माइजू जो उसके राष्ट्रपति हैं बिल्कुल पागल हैं चीन के चक्कर में, और भारत से पंगे लेते चले जा रहे हैं, जबकि भारत से बहुत टूरिस्ट जाता है मालदीव घूमने के लिए। आप सोचिए कि भारत से टूरिस्ट जा रहा है, आपके पास आप कमा तो रहे हो ना, आपकी जीडीपी चल रही है उससे, लेकिन नहीं, चीन की तरफ जाएंगे। ठीक है जाइए, कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगा कि चीन ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ अच्छा किया बुरा किया, जो भी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की चीज करते हैं, इसीलिए भारत के जो भी पड़ोसी हैं वो ऐसे ही खतरनाक है। दोस्तों क्या होता है कि जो भी पड़ोसी होते हैं या तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या तो फिर दुश्मन ही होते हैं। जैसे हमें मालूम है चीन हमारा दुश्मन है, हमें मालूम है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अब जैसे यूएसए कनाडा को ये देख लीजिए, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा हमेशा बोलते हैं, सब अच्छा करते हैं, रिलेशन अच्छे बना कर रखते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा पड़ोसी नेपाल है। रिश्ता जबकि हमारे यहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में, हमारी वहाँ शादियाँ होती हैं सोचिए, लेकिन सारी रिलेशन खराब कर रहे हैं नेपाल। इनको सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब पहले आपने अपने मैप में नहीं दिखाया, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने मैप में दिखाने की जरूरत पड़ने लगी। तो दोस्तों नेपाल को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, भारत के साथ रिलेशन अच्छे बना कर रखना चाहिए। नेपाल में जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, भारत में भी मेजोरिटी हिंदुओं की है, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। भारत हमेशा उसकी परेशानी में आगे आके खड़ा होता है, इसको चीन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, जबकि चीन ने इनकी बहुत ज़मीन कब्जा रखी है। तो दोस्तों अब इस पर कुछ अपडेटेड न्यूज़ भी आती रहेगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।